जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में अचानक रात के समय आग लग गई। आग लगने के कारण देवी देवताओं के टेंट जल गए और 5 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। वहीं इस घटना में 2 लोग भी झुलसे हैं, जिनका ढालपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक रात के समय लगी इस आग से पूरे मेला मैदान में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ऐसा हो गया ना, देखो देव लोग सब सोए हुए थे, कोई पता नहीं लगा। आवाज कुछ बाहर से कुछ ऐसी आवाज आ गई कि भाई आग लगी, पानी बुझाओ, पानी लाओ, कुछ क्या करो। तो फिर परेशान हो गए सब देव लोग। तो फिर ऐसा हो गया, बात निकल गए, देवता को उठाए, प्रभु शेष मैं शेष ना का गुरु, तो ये विष्णु हरिलोटोड़ा जी है, ये 5 बीर जी है, ये भी देवता है बाहर, 5 बीर है और जल देवता जी है। तो निकाल दे देवते बाहर, फिर लोग सारे इधर उधर हो गए, तो निकल गए सामान समून जो भी है। देवता कोई नुकसान तो है नहीं, कोई भी ना, ऐसे भी कुछ नहीं अभी तक ना। बिस्तरे बुस्तरे जो वो भी वहीं पर टेंट में पड़े हुए हैं, टेंट का भी कोई नुकसान नहीं है, देवते का ठीक सेफ है, लोग भी सेफ बैठे हैं। तो बाकी देवते के जो सामान ढोल इनके जो 5 बीर के ढोल नगारे वो थोड़े जल गए ना, क्योंकि टेंट खत्म है। तो उसके बाद देवते को बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ इकट्ठे कर दिए, फिर यहाँ कोर्ट के सामने बैठे। बाकी कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं है। रात को बहुत ही दुखद घटना दशहरा में, यहाँ पर जो अस्थाई शिविर लगे हैं देवी देवताओं के, वहाँ पर आग लगी, जिस कारण बहुत बड़ा नुकसान यहाँ देश समाज का हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हरियाणा ने जो 7 देवता के शिविर में सोए हुए थे, उन्होंने देवव्रत तो बचा लिए, लेकिन वाद्य यंत्र और देवता का और सारा सामान यहाँ पर जल गया है। लगभग 15 देवी देवताओं का सामान यहाँ जला है, और साथ में एक गाड़ी यहाँ जो पूरी तरह से जल गई है, और साथ में कुछ मार्केट की दुकानें भी जल गई हैं। तो देवताओं को और स्थान पर यहाँ पर ले जाया गया है, और अभी प्रशासन से हमारी मांग रहेगी स्थान को पूरी तरह खाली करके पुनः देवताओं को यहाँ पर शिविर को यहाँ पर देवता द्वारा यहाँ लाए जाएँ। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो दशहरा ग्राउंड का एरिया है, उसमें ये अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट हुआ है, और अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि किस कारण से आग लगी थी। लेकिन इसमें लगभग 7-8 ऐसे देवी देवता हैं जिनके टेंट्स को नुकसान हुआ है, कुछ पूरी तरह से टेंट्स नष्ट हुए हैं, कुछ में आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन सभी जो देवी देवता हैं उनके रथ जो है उन लोगों ने बाहर निकाल लिए थे, और कुछ किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है इस इंसिडेंट में नहीं हुआ है। एंड उसके अलावा जो है कुछ हमारी और भी शॉप्स थी, जूतों की मार्केट, और कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है कि प्लास्टिक के सामान की भी कुछ दुकान थी जिसको भी नुकसान हुआ है। तो उसका डिटेल असेसमेंट जो है वो अभी किया जा रहा है, और जो डिटेल असेसमेंट के हिसाब से जो जिनका नुकसान हुआ होगा उनको रिलीफ दिया जाएगा। बट फॉर्चुनेटली किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं है, और आग पूरी तरह से कंट्रोल की जा चुकी है। जी, आग को बुझाते समय जो है 2 लोगों को आंशिक इंजरी हुई है, उसमें से एक जो है वो अभी हमें मिले भी थे, पूरी तरह से ठीक हैं। The other person is hospitalized, but he is also okay. आपको बता दें कि रात को देवी देवता के साथ आए लोग अपने अपने टेंट में सो रहे थे कि अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में ही कई टेंट जलकर राख हो गए। वहीं जिन देवी देवताओं के टेंट को नुकसान पहुंचा है, उन्हें प्रशासन की ओर से टेंट मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के साथ आए लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही जिला परिषद से आगजनी की इस घटना की जाँच की मांग भी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। रात देर रात सच्ची हमले आपको जो है सचिन था।
अरे मैंने एक बाइक बहुत दुख घटना है कि रात को 2 बजे के करीब यहाँ पर देवताओं के जो अस्थाई